चिकन करो जल्दी से, दो चिकन करो। अच्छा भाई ये देख रहे हैं, ये सेकंड भी करता है और इनकी बात मानते हैं इन्होंने। मैंने कहा था कराची के मशहूर टिकटॉकर भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई आया हुआ है, कोई मशहूर टिकटॉकर जिससे सब बात कर रहे हैं, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं जाके कौन है कौन। देखें भाई काफ़ी खूबसूरत डॉग्स है और बच्चों के साथ ये खेल रहा है इनका डॉग्स। अच्छा यहाँ पे जो है कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो इंटरव्यू वगैरह करते हैं, तो वो इंटरव्यू इस भाई का चल रहा है और इनका कैमरा मैन ये रहा, मैं आपको दिखाऊं पीछे से, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप अल्लाह ताला के फजल से सब खैरियत से होंगे। तो भाई अभी मैं मौजूद हूँ कराची की एक ऐसी बिल्डिंग में जो कि पाकिस्तान बनने से भी पहले की बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में जो काम स्टार्ट हुआ था बनने का वो 1863 में स्टार्ट हुआ था और 1865 में जाके काम कंप्लीट हो गया था। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को किसी अंग्रेज़ ने ही बनाया था। अभी जो ये जगह है वो टिकटॉकरों के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, यहाँ काफ़ी फेमस टिकटॉकर भी आते हैं कराची के, और जो नए टिकटॉकर हैं वो भी टिकटॉक बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे और उसके अलावा क्या क्या होता है तो वीडियो में वो मैं आपको दिखाऊँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए हम विज़िट करते हैं यहाँ पर और बाकी चीज़ें भी आपको दिखा दें। अच्छा तो दोस्तों ये इसका मेन गेट है, मेन गेट के बाद स्टॉल हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें आप ले सकते हैं, और उसके बाद अगर हम यहाँ से जाएँगे तो ये रोड सीधे जाने का बिल्डिंग वो रही फेरी हॉल की जो बिल्डिंग है मेन बिल्डिंग, मैं आपको बिल्डिंग भी जाके दिखाता हूँ। उसके अलावा यहाँ जो है यहाँ पे एक पार्क टाइप का बनाया है, इस जगह पे आप फैमिलीज़ के साथ बैठ सकते हैं और यहाँ पे भी फैमिलीज़ के साथ बैठ सकते हैं। टिकटॉकर जो होते हैं ज़्यादातर वहाँ होते हैं, मैं आपको टिकटॉकर भी आके दिखाता हूँ किस तरह की वो टिकटॉक बनाते हैं, और फिर उस बिल्डिंग पर भी चलते हैं हम। तो चलिए भाई, जब आप मेन गेट से आओगे तो उस साइड पे जो है ना, उस साइड पे फैमिली की बैठने की जगह है, और उससे जब आप इधर आ जाओगे इस बिल्डिंग के लिए जब यहाँ आओगे तो यहाँ पे सारे लड़के होते हैं, तो फैमिली को जब लाएं तो उस साइड पे बिठाएं, इधर नहीं लाएं। इधर सारे ही तकरीबन लड़के होते हैं, आप ये देख रहे हैं, ये देखें सारे लड़के लड़के हैं और उधर तक लड़के बैठे हैं, तो इस साइड पर फैमिली को ना लाएँ, ये फैमिली की जगह नहीं है, फैमिली की जगह सिर्फ उधर है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे हमें एक लड़का मिला है जिसने एक डॉग पाल रखा था, उसके पास बहुत ही खूबसूरत डॉग है, तो उससे अभी मैं जाके बात करता हूँ, उसका डॉग दिखाता हूँ, डॉग जो है उसकी कितनी बात मानता है वो भी देखते हैं। तो चलिए उसका मैं डॉग दिखाता हूँ। लोग ये देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत डॉग है, तो इनसे पूछते हैं इन्होंने ये कब से पाला, बच्चा लेके पाला था, क्या करा था और ये क्या क्या खाता है। मुझे काफ़ी पसंद आए ये डॉग, और इन भाई से अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जिशान है। जिशान भाई, जिशान भाई आपने ये डॉग कब से पाला है? ये बच्चा मैंने 4 महीने का था जब मैंने पाला। 4 महीने का? अच्छा, कि लोग अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये देखें काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये देखें वाइट है, पूरा वाइट, प्योर वाइट, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। वैसे क्या क्या इसको आप खिलाते हैं? यार ये डॉग फूड वगैरह खाता है, जुम्मावार गोश्त खिलाते हैं। अच्छा, वैसे अगर कोई इसको खरीदना चाहता है कि अभी डिमांड आई है इसे खरीदने? ये खरीदने की डिमांड तो बहुत आई है मगर बेचा नहीं है, बेचा नहीं है, बचपन से पाला हुआ है तो इसे दिल के ज़्यादा करीब है। अच्छा अच्छा, आपको सुनता है सारा फुल ट्रेंड हुआ है। आप इसकी कुछ दिखाएंगे, आपकी कोई अगर बात माने ये कुछ ऑडियंस? ये खड़ा हुआ है जी, खोको लो, चिकन करो जल्दी से, लो चिकन करो। अच्छा भाई ये देख रहे हैं ये सेकंड भी करता है और इनकी बात मानते हैं, इन्होंने बोला सीट तो ये बैठ गया, और काफ़ी बात मानते हैं, देखो इन्होंने बोला लेट गया तो लेट गया। तो काफ़ी कुछ इसको सिखाया गया है डॉग को, ये देखें इनकी हर बात मानता है, इन्होंने बचपन से लेके पाला था, और इनसे मैंने मालूम भी करा था अगर कोई ख़रीदना चाहे तो। खैर बेचने की इनकी कोई डिमांड नहीं है, इनका शौक है पालना। तो आगे चलते हैं, अभी और भी चीज़ देखते हैं, यहाँ पे टिकटॉकर्स भी बहुत होते हैं तो टिकटॉक वगैरह देखते हैं यहाँ पे किस तरह की बन रही है। तो अभी और घूमते हैं फेरी हॉल को। अच्छा तो भाई देखें मैं बिल्डिंग के काफ़ी करीब आ गया हूँ, और उस साइड पे टिकटॉकर बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा एक मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखें ये लड़का भी टिकटॉक शूट कर रहा है, ये देखें यहाँ पे भी टिकटॉक शूट हो रही है और उधर भी टिकटॉक शूट हो रही है, यहाँ पे टिकटॉकर ही टिकटॉकर हैं, ठीक है। शाम के अब जो ये जगह हुई है टिकटॉकरों के लिए हो गई है, पहले तो खैर सबके लिए थी, टिकटॉकर ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। और ये देख रहे हैं बिल्डिंग को मैं अभी आपको दिखाता हूँ करीब से जाके कैसी है। तो अभी आप ये देखें यहाँ का ये गार्डन है इसका, तो चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। अच्छा भाई ये देखें ये कोई फेमस टिकटॉकर हैं, यहाँ पे टिकटॉक शूट हो रही है, ये देखें आप इन्हें जानते तो बताइएगा, खैर मैं तो टिकटॉक इतनी चलाता नहीं हूँ जो मुझे पता हो। ये देखें कौन
अच्छे टिकटॉकर हैं ये बताइएगा, मैं इतना जानता नहीं हूँ। अच्छा, मैं इस बिल्डिंग की बात करूँ तो भाई ये फेरी हॉल की बिल्डिंग है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है पब्लिक को, ताले लगे हुए हैं इसके सारे गेट पर ताले हैं। और इधर जो है अंदर एक लाइब्रेरी है और बाकी और चीज़ें हैं, लेकिन अंदर जा नहीं सकते हम लोग, ना बिल्कुल अलाउ नहीं है यहाँ पे जाना। ये ऊपर से देख लें बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बनी है फेरी हॉल की। अच्छा भाई ये देखें, इसकी मैं दूसरी साइड पे आया हूँ तो दूसरे वाले गेट पे भी इसके ताला है, अंदर बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पे शूट वगैरह हो रहा है। और ये देख सकते हैं गेट पे आप ताला लगा हुआ है। ये इसका हॉल देखें आप किस तरह का बना हुआ है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। और इसकी मैं अगर आपको ये दिखाऊँ ब्लॉग वगैरह, ये देखें काफ़ी मजबूत और पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों के टाइम की ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये खिड़की वगैरह और मेन गेट पे इसके ताला है। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो इंटरव्यू वगैरह करते हैं, तो वो इंटरव्यू इस भाई का चल रहा है और इनका कैमरा मैन ये रहा, मैं आपको दिखाऊँ पीछे से, ये देखें। तो इंटरव्यू वगैरह भी चल रहा है, यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये आप गाड़ी देख रहे हैं बच्चों की, ये यहाँ पे मोटर बाइक और गाड़ी है। अच्छा, इसका जो है किराया वो 100 रुपये, 100 रुपये में ये वहाँ से घुमा के लाएगा, फिर इस रोड पे लेके जाएगा, इस रोड से वापसी इधर लाके खड़ा करेगा। 100 रुपये किराया इसका बच्चों की गाड़ी के लिए, अगर बच्चे वगैरह हो तो। दोस्तों, फेरेड हॉल में अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, ताले लगे हुए थे आपने देख लिया, और बाकी जो चीज़ें थी वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।